welcome namaskar and radhi radhi to all i am disha and this is your class 10th it 402 we are studying unit 1 communication skill second and chapter 3 barriers in communication in the previous last sessions we completed the chapter first and chapter second of unit one communication skill and now we are on the chapter 3 barriers in communication so before you have to study about the barriers of communication you have to be clear about what is communication

भी इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करते हैं कम्युनिकेशन डन कराते हैं तब कौन कौन से बैरियर्स हैं जो ऑकर हो सकते हैं ऐसे कौन कौन सी चीजें हैं जो क्या कर सकती हैं हमें रोक सकती हैं कम्युनिकेशन करने से कम्युनिकेशन करने से रोकने का मतलब है बहुत सारे हमारे पास साइकोलॉजिकल फैक्ट्स भी होते हैं और कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे इन्वॉर्मेंटल फैक्ट्स भी हमें क्या करते हैं कम्युनिकेशन में रुकावट दे देते हैं अभी ऐसा होता है कि अब बहुत सारी लाइटिंग है हम लोग बात कर रहे हैं सडनली क्या हो जाए लाइट्स ऑफ हो जाए तो क्या होता है हमारा कम्युनिकेशन बीच में ब्रेक हो जाएगा तो ये क्या हो गया एक बैरियर हो गया एक एग्जाम्पल था आपके रियल लाइफ का जिसमें आप लोग क्लियर कर सकते थे कि बैरियर्स एक्चुअली होते क्या है अब हम टॉपिक पर डिस्कस करते हैं आपकी बुक के अकॉर्डिंग की बैरियर्स एग्जैक्टली exactly क्या होते हैं सो फर्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट द लैंग्वेज बैरियर वट इज लैंग्वेज बैरियर जब भी हम कम्युनिकेशन डन कराते हैं वैन वी आर डन वैन वी आर कंडिंग एनी कम्युनिकेशन द डिफरेंट लैंग्वेज प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दैरियर ऑफ कम्युनिकेशन मीन्स एवरी रीजन हैव अ डिफरेंट लैंग्वेज मीन्स वैन यू वैन यू आर इन यू पी दैन अवर यू पी लैंग्वेज इज वेरी एज नो दैट इन यू पी वी आर जस्ट स्पीकिंग द लोकल लैंग्वेज एनी वन कैन इजीली अंडरस्टेंड इट बट वैन वी आर टॉकिंग अबाउट द अदर रीजन that uh, the south south indian where they are talking about the malayalam they are, they are talking in uh, kannada also there are many languages they are talking about but if we do not know malayalam if we do not look at if we don't know also english we also don't know any other language we only know hindi and they don't know hindi सो द कम्युनिकेशन कैन बी हैपन नहीं हो सकता क्यों तो क्योंकि उनको हिंदी नहीं आती और हमें उनकी लैंग्वेज नहीं आती है तो क्या हो गया एक बैरियर आ गया एक लैंग्वेज का बैरियर आ गया कम्युनिकेशन के बीच में यहाँ पे हमें कौन सा कम्युनिकेशन हेल्प करेगा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कैशर का यूज करके आई कॉन्टेक्ट का यूज करके हम ईजिल एक्सप्लेन कर सकते हैं बट ये कोई एक लैंडी प्रोसेस हो जाए कम्युनिकेशन का इट इज़ नॉट पॉसिबल लैंग्वेज जो है वो हमारा बहुत बड़ा बैरियर है कम्युनिकेशन में अगर कोई भी डिफरेंट रीजन से या डिफरेंट लैंग्वेज से बिलोंग करता है और हम डिफरेंट लैंग्वेज से बिलोंग करते हैं तो बीच में कम्युनिकेशन कंडक्ट नहीं हो सकता सेकेंड है इंटरपर्सनल बैरियर इंटरपर्सनल बैरियर क्या होता है जब हम खुद अपने आप को किसी कम्युनिकेशन में इन्वॉल्व होने से रोक लेते हैं वो हो सकता है ड्यू टू द लैक ऑफ कॉन्फिडेंस और ड्यू टू द लैक ऑफ कंसंट्रेशन किसी भी पॉसिबिलिटी में ये हो सकता है कि हम अपने आप को खुद किसी कम्युनिकेशन में इन्वॉल्व होने से रोक रहे हैं दैट इज नोन एज अ इंटरपर्सनल वेरियर या हो सकता है हमारा माइंड जो है अभी कम्युनिकेशन के लिए रेडी नहीं है या हो सकता है हमारा कंसंट्रेशन है वो कहीं और है लैक ऑफ कंसंट्रेशन की वजह से भी हमारा इंटरपर्सनल वेरियर ऑकर होता है इस जिसमें क्या होता है कि समटाइम्स इट इज़ पॉसिबल दैट टॉपिक इज़ नॉट इंटरेस्टेबल हो सकता है कि टॉपिक जो है वो हमारे इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग नहीं है इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं कम्युनिकेशन में इन्वॉल्व नहीं हो रहे ये कैसा बैरियर हो जाएगा इंटरपर्सनल बैरियर हो जाएगा जब कोई अपने आप को खुद कम्युनिकेशन में इन्वॉल्व होने से रोक दे हो सकता है कि कॉन्फिडेंस नहीं है डिबेट चल रही है कोई डिबेट कर रहा है और हम लोग के पास कोई प्रॉपर वर्ड्स नहीं है कोई प्रॉपर स्पीच नहीं है तो हम लोग उसमें अपने आप को इन्वॉल्व होने से क्या करेंगे स्टॉप कर लेंगे ये हमारा क्या हो गया ये कौन सा बैरियर हो गया लैक ऑफ नॉलेज कोई बैरियर नहीं होता है ये बैरियर लैक ऑफ नॉलेज की वजह से अगर हुआ है पर ये किसकी लैक ऑफ नॉलेज हमारी खुद के माइंड की लैक ऑफ नॉलेज की वजह से ऑगर हुआ है इसीलिए हम इसको किसका नाम दे देंगे इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन सॉरी इंटरपर्सनल बैरियर का नाम दे देंगे क्लियर है इंटरपर्सनल बैरियर के बाद में हमारा आता है ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर अब ऑर्गेनाइजेशनलेशनलबल वर्किंग ऑर्गेनाइजेशन सो समाइम्स देयर आर सम्स एंड रूल एंड रेगुलेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन देट यू हैव टू बी फॉलो इफ यूर वर्किंग देयर तो उनके रूल और रेगुलेशन के अकॉर्डिंग अगर जैसे कोई आपसे बोले ठीक है कि आपको क्या करना है एक वॉक करके दिखानी है बट उसमें तीन रेगुलेशन आपको रूल्स दे दे देन यू डू नॉट हैव टू मूव योर हैंड ओके यू हैव टू बी क्लियर योर आईज ऑन द फ्रंट ऑफ द स्टेज एंड यू डू नॉट स्टॉप योर स्माइल सो क्या हो गया हमारे पास तीन रूल्स हो गए इफ़ वी आर प्रैक्टिसिंग इट्स बिफोर द टाइम इट वॉज ओके इफ यू आर नॉट प्रैक्टिसिंग देन यू वॉट विल बी डू वी विल स्टॉप मेकिंग इट क्या होगा हम इसको नहीं कर पाएंगे तक जो जो होगा बैरियर क्या हो जाएगा वो ऑकर क्यों क्योंकि रूल्स और रेगुलेशन क्या हो गए हमारे ऊपर पुट कर दिए गए हैं तो ये बैरियर आ जाता है कम्युनिकेशन का कि हमें बोलना है बट हमें स्माइल नहीं करना है या फिर हमें बोलना है हमें वर्ड सिर्फ इंग्लिश में यूज करनी है हिंदी नहीं बोलनी है तो बहुत बड़ा बैरियर हो जाता है ये तो उसके बाद में थर्ड आपसे बोल दिया जाए यू डू नॉट यू हैव टू यूज योर येस्टर यू जस्ट हैव टू बी सिट स्टैंड स्ट्रेट इन फ्रंट ऑफ द स्टेज तो ये बहुत बड़ा क्या हो गया barrier हो गया ये रूल्स एंड रेगुलेशन और नॉर्म्स हमारे ऊपर अप्लाई कर दिए गए जिनको फॉलो करके हमें क्या करना है कम्युनिकेशन डन कराना है तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई रूल्स रेगुलेशन या नॉर्म्स से हमारे ऊपर अप्लाई कर दिए जाते हैं तो कम्युनिकेशन में जो बैरियर ऑकर हो जाता है तो क्या हो जाता है हमारा ऑर्गेनाइजेशन बैरियर बोलते हैं उसको कभी कभी ऑर्गेनाइजेशन में बोल जाता है कि दो कलीग्स का डिस्कस एट अ टाइम ऑफ ऑफिस आवर्स तो क्या होता है हम लोग कम्युनिकेशन वो भी तो कम्युनिकेशन है जब डिस्कस कर रहे हैं बातें कर रहे हैं फ्री टाइम में बैठे हैं अपने स्पेयर टाइम का यूज कर रहे हैं वो भी तो कम्युनिकेशन है बट इट्स नॉट अलाउड द ऑफिस आवर्स तो फिर क्या होगा बैरियर हो जाएगा हाँ अपनी बात अच्छे से अपने कलीग से कह ही नहीं पाएंगे अपना माइंड में ही वो सारी चीज़ें तो चलती रहेंगी चलती रहेंगी और जब तक वो बाहर निकले तो वो माइंड तो, से आउट हो जाएगा क्या हो गया बैरियर हो गया किसका ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर हो गया जब ऑर्गेनाइजेशन कोई भी टर्म्स एंड कंडीशन पुट कर देती है और कम्युनिकेशन डन नहीं हो पाता तो वो ऑर्गनाइजेशन बैरियर में आ जाता है उसके बाद में सिमेंटिक बैरियर वट इज सिमेंटिक बैरियर सिमेंटिक बैरियर क्या होता है सिमेंटिक बैरियर का मीन्स होता है कि जब हमारा माइंड किसी चीज को इनकोड या डिकोड ना कर पाए कभी कभी क्या, क्या होता है हमारा माइंड बहुत कुछ सोच लेता है पर हम लोग उसको वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं कर पाते फिर हम अपनी प्रिंसिप बोलते हैं अरे क्या बोलते हैं उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको हिंदी में नहीं याद आ रहा तो क्या होता है उसको डिकोड नहीं कर इनकोड नहीं कर पा रहे ना माइंड में हमारे कोई चीज आई और हमने उसको वर्ड में कन्वर्ट नहीं कर पाया तो हमने इनकोड नहीं कर पाया उसको समटाइम क्या होता है कि सामने वाले पर्सन ने बोला हमने समझ लिया पर हम किसी और को एक्सप्लेन नहीं कर सकते ऐसे ही सेम कब होता है जब हम लेक्चर ले रहे होते हैं अपनी क्लास ले रहे होते हैं तो क्या होता है कि टीचर ने हमें एक्सप्लेन किया हाँ मैम क्लियर है समझ आया बहुत अच्छी बात पर कोई और आपसे आपका क्लासमेट बोल देगा कि मुझे भी एक्सप्लेन कर दो मुझे समझ में तो आया है पर मैं तुम्हें एक्सप्लेन नहीं कर सकता ये क्या होगा सीमेंटिक बैरियर हो जाएगा क्यों कोई भी चीज एक्सप्लेन करना इज एन एग्जाम्पल ऑफ कम्युनिकेशन सेल्फ कम्युनिकेशन भी होता है जिसको हम लोग इंटरपस इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन बोलते हैं कम्युनिकेशन के बहुत टाइप होते हैं हमारे अगर आपको कम्युनिकेशन के सारे टाइप क्लियर करने हैं तो डू वॉच माई फर्स्ट क्लास अब हम बात कर रहे थे कि सिमेंटिक बैरियर क्या होता है आपको इनकोडिंग पता है डिकोडिंग पता है क्यों क्योंकि आपने फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास ली है इनकोडिंग क्या होता है अपने माइंड में आई हुए आइडिया को वर्ड में कन्वर्ट करना इनकोडिंग होता है और जब हम किसी को कोई बात बोलते हैं तो वो जब वो रिसीव करता है कम्युनिकेशन रिसीव करता है तो वो

टॉपिक में टॉपिक आउट ऑफ सिलेबस का मीन्स होता है कि कभी हमने आपको पूरा टॉपिक पढ़ाया अब हम आपसे वो क्वेश्चन पुट करेंगे जो आपकी बुक में नहीं है पर है पर टॉपिक से रिलेटेड तो क्या होगा हम उसको इनकोड नहीं कर पा रहे क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा का मतलब क्या है आपने उसको डिकोड नहीं कर पाया मैंने इनकोड करके आपको बोला आपने क्या कर किया डिकोड नहीं कर पाया तो ये क्या हो गया कम्युनिकेशन हुई नहीं जब डिकोड नहीं कर पाया मैम क्वेश्चन समझ नहीं आया देन ब्रेक हो गया बैरियर था क्योंकि हमने क्या नहीं कर पाया था डिकोड नहीं कर पाया था जब भी हम लोग इनकोडिंग या डिकोडिंग में कोई प्रॉब्लम फेस करते हैं तो दिस टाइप ऑफ बैरियर इज नोन एज अमेंटिक बैरियर क्लियर है आफ्टर दिस साइकोलॉजिकल बैरियर साइकोलॉजिकल बैरियर क्या होता है साइकोलॉजिकल बैरियर मीन्स जो हमारे माइंड के थ्रू ऑपर होता है मीन्स निगेटिव बॉडी इमेज निगेटिव बॉडी इमेज का एग्जाम्पल लाइक like, uh, कोई टीचर आया आपकी क्लास में और वो जस्ट ऐसे करके खड़ा हुआ है

इमेज क्या बन गई कि भाई बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है बात नहीं करनी है ये कैसा कम्युनिकेशन बैरियर हो गया बात नहीं करनी मिस कम्युनिकेशन नहीं करना है अब ये बैरियर हो गया कैसा बैरियर हो गया आपकी निगेटिव बॉडी इमेज का बैरियर हो गया ये हम लोग अपने माइंड में ही सोचते हैं इसलिए इसको साइकोलॉजिकल बैरियर बोलते हैं उसके बाद में स्टिग्मा स्टिग्मा क्या होता है कोई ऑफल वर्ड या फिर कोई ऐसा वर्ड जो हमें समझ नहीं आया या ऐसा वर्ड जो हमें अच्छा नहीं लगा कभी कभी क्या होता है कम्युनिकेशन में या स्पीच में या किसी को एक्सप्लेन करते हुए कभी किसी के मुंह से ऐसा वर्ड स्लिप हो सकता है जो क्या हो सुनने में अच्छा ना लग रहा हो तो जब सुनने में अच्छा नहीं लग रहा है हमें समझ नहीं आया हमारे मेंटेलिटी से मैच नहीं कर रहा तो वो कम्युनिकेशन क्या होगा हम सुनेंगे ही नहीं उसको कि हमारी मेंटेलिटी से मैच नहीं कर रहा है दिस इज नॉट अवर टाइप ऑफ कम्युनिकेशन तो हमारे साइकोलॉजी एक ही यही बन गई कि हाँ ये इस टाइप के वर्ड्स का यूज कर रहे हैं तो ये हमारे टाइप की कम्युनिकेशन कंडक्ट नहीं कर पाएंगे तो हम इनको नहीं सुनेंगे ये हमारा क्या हो गया स्टिग्मा हो गया क्लियर है उसके बाद फियर ऑफ फीलियर कभी कभी हम कम्युनिकेशन इसलिए भी नहीं कराते हैं कि हमारे माइंड में पहले से ही चल रहा होता है We can't do it. This is a very negative word that we can't do it. At least you can try to do it. Before starting any communication, it is not mandatory that you can do it is planned, it is not mandatory that it will be planned or it is planned or it was planned, it is not mandatory. If you want to be done any communication, just begin it. If someone is interested, if someone is interested in you, then it will be the last time otherwise it will be break. थिंग टू बी कंसर्न अबाउट इट बट कभी कभी क्या होता है कि हम लोग कभी कभी कम्युनिकेशन नहीं करते हैं कम्युनिकेशन या हम लोग कोई काम नहीं करते हैं किसकी वजह से फियर ऑफ फेलियर की वजह से कि हम लोग फेल हो जाएंगे या फेल हो भी जाएंगे तो कोई डजेंट मैटर सामने वाला क्या कहेगा इट इज बिग इश्यू कभी कभी ऐसा ही होता है ना कि सामने वाला क्या करेगा तो इसी वजह से हम ट्राई भी नहीं करते हैं ट्राई करना बहुत अच्छी बात है इससे हम खुद सीख रहे हैं सेल्फ लर्निंग ले रहे हैं हमारे एक्सपीरियंसेस हमारे काम में आते हैं किसी और के काम में नहीं आते हैं तो जस्ट ट्राई एंड लर्न फॉर योर सेल्फ नॉट फॉर द अदर्स तो फियर ऑफ फेलर एक साइकोलॉजिकल वेरियर होता है जो हमारे माइंड में घूमता है कि हम लोग फेल हो जाएंगे या फिर हम ये नहीं कर पाएंगे या अच्छे से नहीं कर पाएंगे तो हम लोग उसको इनिशिएट ही नहीं करते हम लोग बेगिन ही नहीं करते स्टार्ट ही नहीं करते उस चीज को अपने साइकोलॉजिकल बैरियर की वजह से दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ साइकोलॉजिकल बैरियर लास्ट लैक ऑफ कॉन्फिडेंस कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास रिप्रेजेंट करना है हमें हमारा इंटरेस्ट बहुत है हमारा बहुत मन होता है किसी से बट क्या होता है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है वी आर अनकॉन्फिडेंट इन द केस ऑफ अनकॉन्फिडेंस यू कंट होल्ड द माइक माइक पकड़ के बोलना इज अ वेरी बिग थिंग अगर कोई माइक पकड़ के स्पीच दे रहा है कोई स्टूडेंट कोई टीचर इट्स अ वेरी बिग थिंग टीचर्स के लिए नहीं बट फॉर द स्टूडेंट्स इट इज अ वेरी बिग थिंग इफ ही इज इज शी होल्डिंग द द माइक डिलीवरिंग स्पीच लैक ऑफ कॉन्फिडेंस ऑकर वेन यू आर रिप्रेजेंटिंग योर सेल्फ ऑन द स्टेज स्टेज पर बोलना भी एक बहुत बड़ी बात होती है बट आप अगर पहले से ही सोच रखिये भाई आई कैन डू इट मैं कर सकती हूँ मुझे पता है मुझे आता है इट ड मैटर हु

तब लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होकर होता है इफ वी आर फुली कॉन्फिडेंट वी श्योरली अबाउट द टॉपिक अगर हमें किसी टॉपिक के बारे में नहीं पता है देन वी आर अनकॉन्फिडेंट अगर हमें पता है अच्छा हमें पता है ए टू जेड एबीसीडी आती है सबको आती है सबको पता है और अगर आपसे कोई बोल दे कि माइक लो ए टू जेड एबीसीडी बी सुनाओ दिस इज द कॉम्पिटिशन द वन हु फिनिश द ए टू जेड अल्फावेट गॉट द फर्स्ट प्राइज तो हम लोग फुल कॉन्फिडेंस से खड़े हो जाएंगे हाँ ए फो एपल ए बी फोल क्यों क्योंकि हमें आता है वी नो अबाउट इट It's why we are confident. अगर हमें नहीं आता होता तो इट इज नॉट पॉसिबल फॉर अस टू होल्ड द माइक इन स्पीक ऑन द स्टेज तो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस तब आता है जब नॉलेज कम होती है या फिर हमें अप्रिशिएट करने वाले कम होते हैं हमें डिमोट करने वाले ज्यादा होते हैं ये हमारा क्या हो जाता है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस में ऑकर हो जाता है तो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इज ऑल्सो अ बैरियर विच टाइप ऑफ वैरियर साइकोलॉजिकल वेरियर जो हमारे साइकोलॉजी से ऑकर होता है तो दिस इज द टॉपिक दैट कम्स फ्रॉम द चैप्टर थ्री बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन दिस इज नॉट द फुल चैप्टर हाफ चैप्टर ये वन मोर टॉपिक इन दिस चैप्टर दैट विल बी एक्सप्लेन इन योर नेक्स्ट क्लास सो इट्स इनफ फॉर द टू डे डू यू कंप्लीटेड इट डू यू गैट इट इफ यू आर नॉट गैटिंग इट यू कैन मैसेज मी ऑन इंस्टा यू कैन मैसेज मी ऑन टेलीग्राम चैनल यू